गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड। ओके, सो यस्टरडे वी स्टार्टेड विथ यूनिट्स एंड मेजरमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर एंटायर 11th, एंटायर 12th एंड आगे की पढ़ाई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर। ऑलराइट, सो यस्टरडे we have done what are fundamental quantities and what are derived quantities. Any quantity which do not depend on, which do not depend on any other quantity for their measurement is called fundamental quantity. Example do mujhe Bhargesh, fundamental quantity ke example do. Bhargesh, arey Bhargesh. भार्गेश है लेकिन खुद अपना अनम्यूट नहीं कर रहे। आफिफ, फंडामेंटल क्वांटिटी के एग्जांपल? सर, लेंथ, टाइम, मास। या दैट इज राइट। एंड मास डिराइव्ड क्वांटिटी के एग्जांपल? मास डिराइव्ड क्वांटिटी के एग्जांपल मास, जिसको नहीं आता वो चुपचाप बैठे रहता है। एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, प्रेशर, फोर्स, वर्क, एनर्जी, ऑल दीज आर डिराइव्ड क्वांटिटी बिकॉज दे डू नॉट डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज। ऑलराइट, इतना किया था ना हमने। अभी ना क्वांटिटी मेजर करने के बाद यूनिट उसको एक्सप्रेस करना चाहिए। जैसे सपोज लेंथ मेजर की मैंने और लेंथ बोलू 5 सेकेंड, तो इट विल लुक फनी ना, बोले अरे सर लेंथ कहाँ सेकेंड में होता है। तो देयरफॉर वी हैव टू टॉक ऑफ यूनिट्स। राइट, टाइटल लिखो यूनिट, टाइटल लिखो यूनिट। सी, देयर शुड बी सम रेफरेंस स्टैंडर्ड, यू नो रेफरेंस स्टैंडर्ड यानी मीटर, सेकेंड, ऑल दीज आर स्टैंडर्ड यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। द रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ अ physical quantity, the reference standard used for the measurement of quantity is called a unit, is called a unit. The reference standard used for the measurement of a physical quantity is called unit. For example, meter is a reference standard, second is a reference standard, right? Kilogram is a second, is the reference standard. So write down, लिखो द रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी is called a unit, is called a unit. You must have heard of system of units. Any system of unit, you know, anyone who can tell me, sir, I know this system of unit. Anybody? Anyone knows the system of unit? CGS, मतलब क्या मालूम है? सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। ओके, देन MKS, मीटर, किलोग्राम एंड लेट्स से सेकंड, एंड देन कम्स FPS। ये कोई यूज नहीं करता है, फुट, पाउंड एंड सेकंड नॉट यूज, ओनली इन सम कंट्रीज लाइक ब्रिटेन एंड अमेरिका दे आर स्टिल यूजिंग दिस फुट, पाउंड एंड सेकंड। लेकिन हमारे यहाँ में पाउंड कभी कभी यूज करते हैं। ऑलराइट, बच्चा कितने का हुआ वो लोग किलोग्राम नहीं बोलते, 5 किलो का, 3 किलो का, लोग पाउंड बोलते, पता नहीं क्यों। ऑलराइट, और स्क्वायर फीट,
घर के हम लोग जो मेजरमेंट है स्क्वायर फीट में लेते हैं, स्क्वायर मीटर में जनरली आपस में बात नहीं करते। एंड फोर्थ इज एसआई सिस्टम, सिस्टम इंटरनेशनल और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये इन डिफाइन सेवन बेसिक क्वांटिटीज। इसने क्या क्या मालूम है, मैं पहले खाली तीन ही क्वांटिटी मान लेते थे फंडामेंटल, बोलते थे नहीं खाली लेंथ मास टाइम बस। फिर एसआई सिस्टम पेरिस में एक बार सब साइंटिस्ट लोग मिले और बोले नहीं, जैसे टेम्परेचर नो नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी, टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है। तो पीपल स्टार्टेड सेइंग कि टेम्परेचर को क्यों नहीं फंडामेंटल क्वांटिटी माना जाए, बिकॉज टेम्परेचर डू नॉट डिपेंड ऑन एनीबडी। अरे जरा साथ में बोलो यार, रोशनी टेम्परेचर डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी, दैट इज राइट, एनी अदर क्वांटिटी, देयरफॉर टेम्परेचर इज आल्सो फंडामेंटल क्वांटिटी। तो वो लोग ने क्या बोला, मतलब लेंथ मास टाइम के अलावा चार और क्वांटिटी ऐड कर दी। आई एम गोइंग टू आस्क स्ट्रेट अवे, मैं बोल रहा हूँ उसके बाद में आई एम गोइंग टू आस्क, इलेक्ट्रिक करंट एंड देन उसके बाद मैंने ऑलरेडी बताया क्या बोलो, क्या टेम्परेचर, देन ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली ध्यान रखो ऐसा वर्ड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। एंड लास्ट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वो केमिस्ट्री में होता है ना मोल्स एंड ऑल दैट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये उन लोगों ने सात बेसिक क्वांटिटी बोली ऐसे ही सिस्टम में, और उसकी यूनिट क्या है, यूनिट इसकी यूनिट है मीटर, इसकी यूनिट है किलोग्राम, करंट यूनिट है सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। और उसका सिंबल वालों में क्या बोला, मतलब मैं बोला सिंबल जो है मैं हम लोग बता रहे हैं वही यूज करने का, इधर छोटा एम, इधर केजी, इधर खाली छोटा एस लिखने का, इधर कैपिटल ए, इधर कैपिटल के, इधर सी डी, इधर क्या सी डी, और इधर मोल, खाली एम ओ आई लिखने का। तो दीज आर द सिंबल। इस तरह से सात यूनिट डिफाइन की, उसको बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। So there you are, there, yeah, this is what you have to understand. तो मैं क्या करूंगा, मतलब मैं भी खाली एक शायद मैं ऐसे छुपाऊंगा इसको और मैं बोलूंगा चल सात क्वांटिटी बोल कौन कौन सी है, बिकॉज दिस जनरली कॉलेज एग्जाम में पूछेंगे, ये टेबल बनाना होगा आपको पट 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 फटाफट। ओके मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ओम आर यू देयर, से यस नो, ओम यस सर। ओके टेल मी व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी, हुसैन मेरा लेक्चर देखा कल का यूट्यूब पे, हुसैन क्यों नहीं देखा सर, आई विल सी इट टुडे। अविधि व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी सर, इट इज अ क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड, बस कितना इजी का आंसर था, एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी। देखो अभी सिस्टम ऑफ यूनिट में सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एमजीएस मीटर किलोग्राम सेकंड, FPS foot pound second, SI international system of unit defines seven fundamental quantities, length, mass, time, electric current, temperature, luminous intensity, amount of substance, meter, kilogram, second, ampere, kelvin, candela, mole, or a symbol, copy karo fatafat, fatafat copy karo, jhata jhat, this table they are asking in the examination.
यस कॉपी करने के बाद मुझे बोला यस हो गया कॉपी कर लिया यस नो सर कॉपीइंग आई एम गोइंग टू आस्क दिस सेवन क्वांटिटीज जस्ट नाउ एवरी वन ऑफ यू आलो तुम भी तैयार रहना यस सर गुड हो गया कॉपी कॉपीड क्या यस नो यस नो यस नो ओके उसके बाद लेट मी आस्क सेवन फंडामेंटल क्वालिटीज टू आलोक यस सर बोलो सातों फंडामेंटल ऑलरेडी बोलो लेंथ लेंथ मास टाइम टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट ल्यूमिनस इंटेंसिटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लवली लवली ग्रेट बहुत अच्छा अब लिखो टाइटल लिखो सप्लीमेंट्री यूनिट्स टाइटल लिखो सप्लीमेंट्री यूनिट्स कॉपी कर डाले इसको और फिर मैं बता देता हूं कॉपी किया मैं बताता हूं फिर आपको
यस बिटा दूं, पहले बता देता हूं, एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया मालूम है, दो यूनिट और थी, दो इनफैक्ट क्वांटिटी थी, एक तो प्लेन एंगल था और एक सॉलिड एंगल था। आप बोलेंगे सर प्लेन एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल क्या होता है, तो मैं आपको समझा देता हूँ, वैसे इसका डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सपोज आपने एक सर्कल ड्रॉ किया, सर्कल ड्रॉ करने के बाद छोटा सा नन्ना सा आर्क लिया, तो यहाँ पे जो एंगल सबटेंड करता है बहुत बड़ा एंगल नहीं, सपोज छोटा एंगल है, तो दैट इज डिनोटेड बाय डी थीटा। पूरे बड़े एंगल को हम लोग थीटा बोलते हैं, तो डी थीटा थीटा ऑल दीज आर विच एंगल, प्लेन एंगल, बिकॉज ये प्लेन फिगर में से आप निकल रहे हैं। बट सपोज एक स्फीयर है, स्फीयर ड्रॉ कर रहे हैं इज नॉट पॉसिबल, बट सपोज एक ये स्फीयर है, ये सर्कल था और ये स्फीयर है, ऑल राइट, ये स्फीयर का एक छोटा सा नन्ना सा एरिया लूं मैं, इस एरिया को डी एफ बोलूं, तो ये जो एंगल सबटेंड करेगा एट द सेंटर, इसको बोलेंगे सॉलिड एंगल। इसको क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल। ये सर्कल है और ये स्फीयर है, इसका बड़ा कुछ एंगल होगा तो उसको इसको डी और इसको बोलेंगे ये, ऐसा सर्कल का छोटा सा पार्ट का एंगल डी थीटा, स्फीयर का छोटा सा पार्ट का एरिया का एंगल डी ओम, और बड़ा एंगल ओम और बड़ा एंगल थीटा। यू कैन जस्ट ड्रॉ दिस फिगर फॉर प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल की अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो क्या हुआ, दो प्लेन एंगल सॉलिड एंगल, थीटा ओम, रेडियन स्टे रेडियन, इसकी यूनिट सिंबल आर ए डी एस आर, फॉर्मूला है एंगल का लेंथ अपॉन डिस्टेंस। ये आपको कराएंगे एम एन सर, आई थिंक टुडे ओनली ही विल डू लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू आर इनटू थीटा हैज टू बी इन रेडियन, ये बताएंगे आपको आज शाम को शायद लेंगे वो। थीटा एंड ओम इज नथिंग बट एरिया अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। ओम यानी विच एंगल, ओम यानी विच एंगल, ओम यानी विच एंगल, सॉलिड एंगल, और थीटा यानी प्लेन एंगल, दैट इज राइट। तो दिस प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल यू कैन से आर सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, एंड रेडियन एंड स्टे रेडियन यू कैन से आर सप्लीमेंट्री यूनिट्स। जीतू नहीं आया आज क्या, जीतू, जीतू इज नॉट कम, जीतू एंड कोनन, कोनन आ गई, अच्छा हाँ कॉपी किया। हाँ हो गया बच्चों, कॉपी करके हो गया, बहुत स्टाइलिश डायग्राम मत बनाना। यस सर। हाँ कॉपी कर दिया सभी ने। यस सर। Anyone having Jitu's number, please dial him and tell him to come for the lecture. He might be sleeping or what? Pitaji isko? Maaz? Oh, Maaz. Maaz? Yes, sir. Pitao? No, sir. No, sir. Yeah, yes, sir. No, yeah, yes. Yes, sir. Okay. Okay, now, main chahta hu, Afif, will you read question number 10? Question number 10.
क्लासिफाई अपन ओरली कर लेते फटाफट. क्लासिफाई द फॉलोइंग क्वांटिटीज इनटू फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटी. मिला आपको? यस सर. क्लासिफाई द फॉलोइंग क्वांटिटीज इनटू फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज. लेंथ, वेलोसिटी. अभी एक-एक करके लेंथ क्या होगा? लेंथ इज फंडामेंटल और डिराइव्ड? फंडामेंटल. वेलोसिटी सर डिराइव्ड. एरिया सर डिराइव्ड. इलेक्ट्रिक करंट सर फंडामेंटल. Some other student now. Vidhi, acceleration. So derived. Vidhi, time. So fundamental. Force. Derived. Force. Obviously. Momentum. Momentum. अरे फंडामेंटल में था क्या? अच्छा दिस गर्ल कॉल्ड न्यू गर्ल, क्या नाम है उसका? रोशनी. एनर्जी. एनर्जी डिराइव. टेम्परेचर फंडामेंटल. मास फंडामेंटल. प्रेशर मैग्नेटिक इंडक्शन डेंसिटी Derived. 10. तो इसको जगह छोड़ो, इसको घर पे करना. अच्छा क्वेश्चन 11 विल बी रेड बाय भार्गेश. भार्गेश क्वेश्चन 11 पढ़. भार्गेश भार्गेश तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है. माइक इज नॉट वर्किंग. अरे तेरी तो. हेलो. ओके देन लेट मी आस्क Omaj. 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 Yes, sir. Question 11, part. Classify the following units into fundamental, supplementary and derived units. Tell me Newton, kaun sa unit hai Newton? Is a fundamental unit or derived unit? Derived quantity sir, ka unit? Sir, main ko puch rahe. Haan? Haan, tumko puch rahe. Meter? Sir, fundamental. And candela? Sir, fundamental. Radian? Sir, supplementary. That is right. You can do this as homework. Matlab likh dalna baad mein. Aur abhi question 12 likh dalo. Question number 12. List the conventions followed using or while using SI unit. Chalo khali question likho itna. Main aapko bata ta hu iska. कैसे सिंप्लीफाई करने का आंसर. और मेरे साथ कॉपी करो ये, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा क्या लिखा है आपने. कॉपी करते जाओ मेरे साथ में. Go on copying. Sir, can you write letter bigger? Bigger? Sabko nahi dikh raha hai? Yes, sir. Nahi, nahi, sabhi ko nahi dikh raha hai. Every one of you. Sir, thoda bada likho.
यस कॉपी कर लिया आपने तो फिर मैं बता तो बताना चालू करता हूँ सर कॉपिंग कॉपिंग ओके Yes, sir. Copy it. Copy it. Om, copy ho gaya ki baki hai? Om, Maan, Vidhi, Prisha, copy. Konan Qureshi, Konan Qureshi. Haan, sir. Jitu, aap late kyun aaye? Jitu, aap late kyun aaye? सर वो एक्चुअली सर मेरे घर पे कोई पेरेंट्स नहीं है ना सर तो सर मैं सो गया तो फोन है फोन हाँ सर फोन था अभी उसे ने सर फोन किया तो मैं उठ गया तो मॉर्निंग अलार्म नहीं लगा सकते हो सर मैंने लगाई थी मैं भी मॉर्निंग अलार्म लगा के सोता हूँ मैं भी अकेला हूँ मैं मॉर्निंग अलार्म लगाता हूँ 8:30 का लेक्चर होता है 7 o'clock सॉरी सर तुम लोग को अच्छा है मैं इसको YouTube पे डालूंगा देख लेना जीतू जो मिस पार्ट है वो ठीक है सर दिस इज व्हाट आई लाइक अबाउट जीतू फटाफट आंसर देता है बाकी लोग सोचते रहते हैं और ओम तो कन्वीनियंस के हिसाब से आंसर देते हैं देना है कि नहीं देना है फिर उसके हिसाब से और प्रिशा तो पता ही नहीं चल रहा है चलो ओके अभी मत एक्सप्लेन तो करें तो भाई मेरे को ओ बच्चे लोग एक्सप्लेन करूं अपने ओन वर्ड्स में यस सर मेन टेबल है ये टेबल बना दिया फिर अपने ओन वर्ड्स में लाइन लिखते जाएगा देखो नो कुछ लोग क्या करते थे साइंटिस्ट लोगों ने मीटिंग की उसके पहले कोई लोग मीटर ऐसे लिख के छोड़ देते थे कोई मीटर ऐसे लिखता था कोई ऐसे लिख के छोड़ देता था सेकेंड के लिए ऐसी सी हाँ कोई एस कभी किसी के मन में सेकंड ऐसा सब चल रहा था बहुत लफड़े थे तो उन लोगों ने बोला व्हाई नॉट टू मेक अ स्टैंडर्ड सिस्टम वर्ल्ड वाइड कि तुम लोग को यूनिट लिखने का एक तरीका लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट दे डिड इसमें इसमें क्या फर्क है एनीबॉडी कैन टेल मी ये टेबल देख के क्या पता चलता है व्हाई नो व्हाई व्हाट इज देयर इन यस सर नो इट स्टार्ट्स विद कैपिटल अदर यूनिट शुड नॉट स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर यूनिट हैज टू स्टार्ट विद स्मॉल लेटर नंबर टू यहाँ पे क्या लगता है जैसे झूल होता है ना झूल तो कैपिटल जे के बदले यहाँ पे स्मॉल जे लिखता है एनीबॉडी कैन टेल मी क्या है इसका मतलब सेकंड का मतबल क्या है सेकंड का मतबल सेम ओनली नो उसमें यह है कि इफ कैपिटल नो इफ द यूनिट स्टार्ट्स विद द नेम ऑफ अ पर्सन और नेम ऑफ अ साइंटिस्ट It cannot start with capital letter. It has to start with small letter. English में था ना अपने को कि नाम आदमी का capital राम लिखना है तो capital R A M लिखो small नहीं लिखने का ऐसा मेरे को स्कूल में सिखाया था तुम लोग को सिखाया ऐसा ऐसा सिखाया कि नहीं तो यहाँ पे नहीं चलेगा यहाँ पे name of the scientist has to start with small letter only, not with capital letter. Number three. Force, unit of force, small n नहीं चलेगा, capital N. Ampere, small a नहीं चलेगा, capital A. Length, meter लिखना है तो capital M. Symbol लिखना है तो just you have to write small m. बड़ा kg नहीं, छोटा kg. Are you following? 5 newton, you cannot write 5 n. Yeah, either you can write 5 newton like this, 5 newton, or you can write 5 capital N. यह समझ में क्या आया? आया ना बोलते जाओ मेरे को. I am not yes, in a hurry to explain. Okay. देख इसमें क्या लगता है ये क्या है ये फोर्थ
इसमें क्या लिखते हैं, ये क्या नंबर है, इसमें इधर क्या है? सर बिकॉज़ देयर इज एस द लास्ट एच क्या है व्हाट इज एस एस मींस व्हाट सेकंड मतलब सब लूटर्स नहीं चलता है 10 मीटर होने दो या 1 लाख मीटर होने दो एस नहीं आ सकता है छोटा 2 मीटर हो 10 मीटर हो सब सिर्फ एम एमएस नहीं होता है मीटर्स बोलते ना प्लूरल वो नहीं चलेगा नो no. ये क्या है एनीबॉडी कैन टेल मी ये नो no है और ये यस yes है क्या है इसका मतलब फुल स्टॉप आफ्टर स्टॉप कॉमा ऑल दीज आर नॉट अलाउड हाइफन ये सब सिंबल नहीं चलेगा कुछ भी यूनिट के बाद हाँ ये जो है ना जैसे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यू कैन नॉट राइट मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड दिस इज नॉट अलाउड दिस इज अलाउड और कैन यू सी देयर इज अ गैप बिटवीन मीटर एंड सेकेंड इज टू माइनस टू अगर लिखते हैं तो गैप होना चाहिए यहाँ पे दिस विल कम टू नो लिटिल लेटर कि व्हाई गैप व्हाई नॉट विदाउट गैप मीटर यू नो ये आपको पता है ए अपॉन बी इज नथिंग बट ए अपॉन बी स्क्वायर दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सेम एज मीटर पर सेकेंड बट यू कैन नॉट राइट दिस यू कैन टू राइट दिस अब ये क्या है एनीबडी कैन पिक अप डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस सर वहाँ पे सर जूल पूरा लिखा हुआ सर यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में जी लिखा हुआ हाँ लेकिन क्यों नहीं चलता है ना जूल ये ना जूल तो अलाउड है हाँ यहाँ पे देखो ना यहाँ पे अगर मैं करूँ तो ये अलाउड है जूल थोड़ी रॉन्ग है इज जूल अलाउड और नॉट नेम ऑफ अ साइंटिस्ट हैज टू स्टार्ट विद स्मॉल लेटर व्हिच इज करेक्ट एनीबडी कैन टेल मी व्हाट इज रॉन्ग इन दिस एनी वन ऑफ यू Sir, it has to be in symbol. It's the complete name. That's a better answer. देखो मैं बताता हूँ. This is combination. ये क्या है? This is combination of complete unit and symbol. A complete unit or symbol. Are you following? But ये क्या है? Combination of only symbols. Joules, kg, kelvin. यार ये भी चलता है. मतलब ये भी चलता था. Joule per kilogram. Kelvin. ये अगर लिखेंगे ना तो चलेगा Either it should be complete everything or it should be symbol everything. Not mixing. ये mixing है symbol और complete unit का. Mixing is not allowed. Not allowed mixing. This is not mixing. And this is no mixing. Either symbol or the unit. नहीं आया समझ में इसका आंसर टेबल बना के लिखने गए देखो मैं बताता हूँ yeah, That's a very good question asked by Maz. मैं बताऊं टेबल से थिंग्स बिकम क्लियर क्या है मालूम है ये लिखने का और बाजू में लिख देने का यूनिट कैन नॉट स्टार्ट विद कैपिटल लेटर इट हैज टू स्टार्ट विद स्मॉल लेटर खत्म फिर ये नेम ऑफ साइंटिस्ट कैन नॉट स्टार्ट विद कैपिटल लेटर इट हैज टू स्टार्ट विद स्मॉल लेटर क्या होगा मालूम है वो पढ़ने जाओगे ना तो पढ़ने में मजा नहीं आता है टेबल देख के अपने को पता चल जाता है क्या मीनिंग है दिस इज व्हाट इज माय मेथड ऑफ टीचिंग पता नहीं तुम लोग को जम रहा है कि नहीं मेरे को तो ये अच्छा लगता है